दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। दोस्तों, आप सब भाई बहनों का स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। आप सबको दो वीडियो हम यहां पर दिखाएंगे। पहला वीडियो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में जो कच्चा राशन वितरण है उसको पोर्टल पर कैसे फीड किया जाता है। यहां पर छोटा सा बदलाव जो किया गया था, पासवर्ड में आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहां पर उसके बारे में दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बिहार राज्य से भी आ रहा है एक वीडियो, यूनियन की बैठक का भी दिखाएंगे। सहरसा जिले में बैठक हुई है, वहीं से एक वीडियो आया है, तो आप लोगों को दो वीडियो इस वीडियो में दिखाए जाएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं जो हमारे पास गिरजा बहन की तरफ से आ रहा है, उन्होंने लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, यहां पर पढ़ पा रहे होंगे। तो हम आपको बता दें, यहां पर आगे चलते हैं, उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको कुछ पता चले। तो ये देख लीजिए, पहले तो आप अपनी वेबसाइट खोल करके पंजीकरण में आकर के लॉगिन वाला जो ऑप्शन है उस पर आ जाइए, फिर आपने में कार्यकर्ता बहन का चयन कर लीजिए, फिर कोड में अपना केंद्र का कोड डाल दीजिए। यहां तक आप सब जो है ऐसे करेंगे, कोड में ये जो डाल रही है वो नहीं डालना है आपको, आपको अपने केंद्र का कोड डालना है, ठीक है, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं ही। उसके नीचे जो आप लोगों का पासवर्ड लिखा है उस पासवर्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो उसमें अपना मोबाइल नंबर जब आप दर्ज कर देंगे फिर उसके बाद में आपको ध्यान देना है, फिर आप दर्ज कर देना और आपका खुल जाएगा ऑटोमेटिक, बहुत आसानी से खुल जाएगा क्योंकि ये सब बदलाव किए गए हैं। तो अभी आप लोग इसको ट्राई करना, हो सकता है कहीं कहीं ना खुले, अगर नहीं खुलता है तब फिर आप समझ लेना आपके वहां भी इसका प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे आपके अभी ये सब बदल जाएगा, तो उसके लिए सब्र करना, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अब हम मीटिंग की तस्वीर। ये हमारे पास मीटिंग का एक वीडियो आया हुआ है, बिहार से भाई बहन ने भेजा हुआ है, तो आप इसको जरा देखिए। यहाँ पर ओटीपी व्यवस्था को लेकर के बहनें बहुत परेशान हैं पूरे बिहार में, और वितरण हो नहीं पा रहा है, समस्याएं बहुत आ रही हैं, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी। और अब आप सब यहाँ पर मीटिंग में बातों को सुनिए, हम अपनी बाड़ी को यहाँ पर विराम देते हैं। भैया जी को वर्मा भैया, माला जी, एक मिनट, जैसे आप ये पहली बार बोली ना, ओटीपी का बहिष्कार, गैलरी कहाँ के लिए ओटीपी का बहिष्कार करनी है और ओटीपी से संबंधित प्रशिक्षण का बहिष्कार करनी है, ठीक है। और दूसरी ओर जो आप बोले कि एलएस हमको जो है आधा घंटा ट्रेनिंग दिया है, एक घंटा ट्रेनिंग दिया है, एक मिनट, उस पर हम लोग को एक मिनट, उस पर हम लोग को जो है नहीं जाना है, सुनिए बता रहे हैं, एलएस पर जब हम लोग यदि जाएंगे कि प्रशिक्षण जो है नहीं दिया है, एलएस तुरंत तैयार हो जाएगा, पहले तो एलएस पर सब प्रहार करेगा कि आपसे बेकार लोगों को ट्रेनिंग जो दी नहीं है, वह कहेगा कि ठीक हम 5 घंटा बता 6 घंटा सब ट्रेनिंग देंगे, सबका देंगे ट्रेनिंग, तो क्या सब हम लोग मान लेंगे? हमको एक ही चीज़ पर जाना है कि ओटीपी का बहिष्कार, ओटीपी का प्रशिक्षण, तो नहीं हमने कहने मतलब, अरे हमको ओटीपी, क्योंकि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ओटीपी, नो कि एलएस, नो कि एलएस पर कंप्लेन, दूसरा मुद्दा अभी उठाने नहीं, कहीं ना जाना है, हाँ तो इस पर देखिए, दूसरा मुद्दा नहीं लेना, नहीं हम तो इसलिए देखिए, एक ही मामला जी, एक ही मुद्दा पर आइए कि ओटीपी का प्रशिक्षण, ओटीपी का हम लोग बहिष्कार करें, नहीं लेना, बस एक ही चीज पर, और वही अभी जो चल रहा है वही वाइटल प्रॉब्लम है। आप लोग सुनिएगा, दिखाएगा, पहले चर्चा होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, फिर ओटीपी का प्रशिक्षण, ओटीपी का जो है ये उसका बहिष्कार करूँगा। हाँ एक मिनट सुनिए, जिला अध्यक्ष से मेरा कहना है कि बरारी का समस्या बहुत गंभीर है, हम लोग ओटीपी के माध्यम के द्वारा मैसेज किए कि ओटीपी का ट्रेनिंग नहीं करना है, लेकिन जिला अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो पिंकी देवी को माना जा रहा है उसके द्वारा मैसेज किया गया कि सभी सेविका को ट्रेनिंग लेना है, अब इसमें क्या किया जाए? आप प्रखंड अध्यक्ष, आप जिला अध्यक्ष सुझाव दीजिए या नहीं तो वहाँ चुनाव कराइए।
मैसेज किया दिया, वॉइस मैसेज भेजे भैया, मैसेज भेजे हैं, बोलिए इस पर आप बोलिए, आप अपना पत्रिका दिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष माला कुमारी कटिहार, मेरा ये सुझाव है कि जहाँ की प्रखंड अध्यक्ष, देखिए व्यक्तिगत हम नहीं, जहाँ की प्रखंड अध्यक्ष ओटीपी ट्रेनिंग या ओटीपी के द्वारा वितरण, जो मामला अभी वर्तमान में चल रहा है कि हम लोग इसका बहिष्कार सब मिल करके कर रहे हैं, जहाँ की प्रखंड अध्यक्ष यदि संघ से बाईपास होकर के चल रही हैं कि प्रशिक्षण ले और सेविका वितरण करे, तो इस बैठक में ये एक प्रस्ताव लिया जाता है, तो उस प्रखंड अध्यक्ष को आज के दिन संघ से उसका बहिष्कार किया जाएगा। और लगातार बैठक में नहीं आती है, उसका जवाब दीजिए। हो तो गए इसी समय लगातार तो नहीं आ रहे, जो मीटिंग में आज जो मेन मुद्दा है, आज जिले के जितनी भी मेरी प्रखंड अध्यक्ष है सारे के सारे 100% में आ चुकी है, और एक जो नदारत है उनको जो भी अच्छाई थी जो भी खराबी थी उनके पास, वो तो कह सकती थी ना आकर के कि मेरे साथ है जिला अध्यक्ष मेरे ऊपर डंडा चलाती है या हम उनके वो हमारे ऊपर, तो जितनी भी उनके पास अच्छाई थी उनको बोलना चाहिए था, तो नहीं आई, इसलिए आज के बाद उनको निरस्त किया था। सभी प्रखंड अध्यक्ष इसमें समर्थन दे रहा है, सभी प्रखंड समर्थन दे रहा है इस बात का कि जो नहीं आएगी उसको बहिष्कार करेंगे हम लोग संघ से। नाम नहीं किसी का, चलिए ठीक, नाम नहीं लेना। हाँ दोस्तों, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आंगनबाड़ी बहनें हमारी परेशान ना हो। अभी बिहार से आपने यूनियन को परेशान होते देखा है, वो ओटीपी वितरण प्रणाली को लेकर के। ऐसे ही जो है यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंगनबाड़ी बहनें यहां काफी रिटायर वाली है, 7000, वो भी परेशान है। उनके अलावा जो कच्चे राशन का वितरण हो रहा है, इसमें भी जो राशन है वो समय पर मानक के अनुसार पहुंच नहीं रहा है। सरकार ने तमाम चीजों की बात कही है लेकिन मिल नहीं रहा, तो ऐसे में सब लोग परेशान है। हर राज्यों में समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान हो नहीं पा रहा है, चारों परेशानी ही परेशानी बहनों की हमें दिखाई देती है। तो ये जो हमने वीडियो आप लोगों को कल दोपहर 3 बजे दिया था, आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए किन किन बहनों ने इन बहन का 3 बजे का वीडियो देखा है, जिसमें हमने पूरे दिल से वीडियो में आवाज लगाई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अब जाकर के उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आगे दोस्तों आपको और बताते हैं, दोस्तों देश में दूसरी तरफ किसान जिसको अन्नदाता बोलते हैं वो भी बेचारा परेशान है, मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान भाई। उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है और यहां पर विरोध किया जा रहा है, फिर भी जो है इनकी भी सुनी नहीं जा रही है। जैसे हमारी आंगनबाड़ी बहनों की नहीं सुनी जाती, वैसे हमारे अन्नदाता किसान की नहीं सुनी जाती। तो ऐसे में आपको बता दें, हम यहां पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप लोगों को जवाब ढूंढना है, आप लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, ना किसानों की तरफ ना गरीब आंगनबाड़ी की तरफ, यानी जो भी है समस्याएं वो गरीबों की ही नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो हम सुनाना चाहते हैं, पहले हमने सुधांशु पटेल चैनल पर उसे डाला था लेकिन काफी कम भाई बहनों ने उसको देखा है, लेकिन वीडियो काफी अच्छा है, आपकी बहन पानकली के द्वारा वो गाया गया है, जिसमें वो कुछ कहना चाहती हैं, गीत के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहती हैं और राशन वितरण को लेकर के भी कुछ अपनी बहनों को संदेश देना चाहती हैं। तो चलिए बहन की आवाज को हम लोग एक बार सुन लेते हैं आज, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दरिया की कसम मौजो की कसम, यह ताना बहना बदलेगा, तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू चुप रह कर जो सहती रही तो क्या या जमाना बदला है, तू चुप हो कर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है, मुंह खोलेगी कुछ बोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा, मुंह खोलेगी कुछ बोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजो की कसम, यह खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा, तू चुप रह कर जो सहती रही तो क्या या जम।
दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास।